सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन. यहाँ पे ये इसकी स्पीड बताई गई है जिसको आप सेट कर सकते हैं, आरपीएम दे सकते हैं. नॉर्मली सबसे कम आरपीएम 300 आरपीएम है, लेकिन मैक्सिमम आरपीएम आपके पास 150,000 तक भी जाते हैं. इस मशीन की स्पीड मैक्सिमम अराउंड 13,000 to 14,000 है आरपीएम है. यहाँ से आप टाइम दे सकते हैं कि जितनी देर के लिए आप सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाना चाहते हैं. ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे आप लो रख सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज है. मोस्टली आरएनए एक्सट्रैक्शंस के लिए हम रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं. ये इसके डिफरेंट बटन्स हैं, स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का एंड ओपन. ओपन से आपके पास ये लिड है, ये ओपन हो जाएगी और ये इसके अंदर इसका रोटर है. सो बेसिकली रोटर आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि आपके पास रोटर जो है वो मूव करता है काफ़ी हाई स्पीड से, और आपके पास इस हाई स्पीड की वजह से पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. सो यू हैव डिफरेंट वेल्स हेयर. नंबर वन है, वन से लेके आपके पास 30 तक वेल्स हैं. हमेशा सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने वन पे अपना सैंपल रखा है तो उसके ऑपोजिट आपने अपना सैंपल दूसरी जगह भी रखना है, यानी आपने सेंट्रीफ्यूज को बैलेंस करना होता है. ठीक है, तो अगर 15 पे रखेंगे तो 30 पे रखेंगे, इस तरह से आपने ट्यूब्स को रखना होता है. जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट में हमने बैक्टीरियल सेल्स का पैलेट बनाना है, तो हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल कल्चर है और अब हम इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे. तो ये मैंने इसकी लिड उतार ली. अब मैं यहाँ पे इसको 15 पे रखती हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसको 30 पे रखती हूँ. ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया है. इसकी लिड को क्लोज कर देंगे. लॉक हो जाएगा. अब आपने इसके बाद स्पीड सेट कर ली और आपने टाइम दे दिया, हमने लिड क्लोज कर दी है. अब हम इसका सेट करेंगे. फॉर एग्जांपल हम इसकी स्पीड सेट करेंगे 14,000 आरपीएम पे. टाइम हम इसको दे देंगे 30 सेकंड और टेम्परेचर हम इसको 4 डिग्री. नाउ वी विल स्टार्ट द मशीन. आपके आप सेंट्रीफ्यूज हो गई. इसकी स्पीड खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है. इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी तब हम इसको ओपन करेंगे. इससे पहले हम इसको ओपन नहीं करेंगे. ठीक है, तो रन कंप्लीट हो गया. नाउ यू कैन स्टॉप. हो गया सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट. सो यू कैन सी नाउ ये आपके पास पैलेट नीचे बैठ गई है. तो जो आप बस सेल का मास होता है वो नीचे बैठ जाता है पैलेट की फॉर्म में, और जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाता है सुपर नेटिन की फॉर्म में. तो ये आपके पास बैक्टीरिया सेल का मास आ गया है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट. थैंक यू.